तो हेलो मेरे दोस्तों, आज मेरे पास एक TVS Wego 110 सीसी का स्कूटी आया है। तो आज मैं इस गाड़ी का हाफ इंजन का काम करेंगे और इसको कैसे करते हैं मैं आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में। और इंजन को कैसे अलग किया गाड़ी से मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं दिखाया। तो सबसे पहले इसका क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस इंजन का जो मेन प्रॉब्लम है दोस्तों, वो व्हाइट स्मोक कर रहा था और इस गाड़ी में एकदम बिल्कुल भी कंप्रेशन नहीं था और इसका वाल्व पूरा एकदम खराब हो गया। तो जब भी किक मार रहा हूँ तब भी थोड़ा सा भी कंप्रेशन नहीं है इसमें, तो इसके लिए इंजन को हमको खोलना पड़ा। तो मेरे दोस्तों, इस गाड़ी का पिस्टन से लेकर पूरा वाल्व तक और इसका टाइमिंग तक एकदम पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको खोलना चालू कर देते हैं इंजन को। तो जैसे कि मेरे दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो इंजन का जितना भी सामान था हम लोग खोल लिया। तो मेरे दोस्तों, जितना भी चीज़ खराब है इन सबको चेंज करेंगे और इधर जो सिलेंडर है सिलेंडर को बोर करेंगे, नया पिस्टन डालेंगे और नया वाल्व देंगे और टाइमिंग चेन वगैरह सबको चेंज करेंगे। तो ये गाड़ी मेरे पास आया था दोपहर के टाइम, अभी काम करते करते शाम हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाने का कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस सिलेंडर का जो काम है वो दोस्तों लेथ में होगा, तो मैं लेथ पे लेके आया इन सबको। तो लेथ के इधर काम हो रहा है सिलेंडर का, आप लोग देख सकते हो, इधर पिस्टन रिंग का भी काम हो रहा है। तो इधर काम कंप्लीट होने के बाद मैं इंजन को फिटिंग करेंगे। तो इस गाड़ी का इंजन का जितना भी काम है एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा इस प्रोसेस समझ में आ जाए। तो मेरे दोस्तों, लेथ का जितना भी काम है हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो मेरे दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, ये जो सिलेंडर है वो पहले एक बार बोर करा चुका था, पहले एक बार गाड़ी का हाफ इंजन हुआ था, तो ये नेक्स्ट टाइम बोर हुआ। पहले 25 था, अभी 50 हो गया। तो मेरे दोस्तों, और एक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जो सिलेंडर है इसको अगर दो बार बोर हो गया तो उसके बाद और बोर मत करना, एकदम डायरेक्ट नया सिलेंडर लगाना, ताकि परफॉर्मेंस अच्छा मिले। और इधर जो दोस्तों हेड देख रहे हो, इसका जो वाल्व है वाल्व को हम लोग चेंज किया और हेड को अच्छे से पॉलिश किया। तो देख सकते हो दोनों वाल्व नया लगाया, तो अभी हेड का भी काम एकदम पूरा कंप्लीट हो गया और जितना भी सामान था हम लोग सब कुछ अच्छे से साफ करके रख दिया और इंजन के साइड में जितना भी पैकिंग था सब कुछ को निकल दिया हमने। और इधर इंजन के अंदर जो कनेक्टिंग डॉट है, कनेक्टिंग डॉट को अच्छे से चेक कर लिया, कनेक्टिंग डॉट खराब नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। तो अभी इंजन को फिटिंग करेंगे। तो इसको फिटिंग करने का जो पहला प्रोसेस है, इसका चेंबर के ऊपर ग्रीस कर देंगे हम लोग और इसके बाद सिलेंडर पैकिंग को इंस्टॉल करेंगे।
तो देख सकते हो सिलेंडर पाइपिंग को अच्छे से बिठा लिया हम लोग। और अभी पिस्टन को फिटिंग करेंगे। और पिस्टन को फिटिंग करने से पहले इधर पिस्टन का जो लॉक दिया गया है, लॉक को पहले एक लॉक को पहले हम लोग फिटिंग कर लेंगे। और मेरे दोस्तों पिस्टन का रिंग पहले से हम लोग फिटिंग करके रख दिया। अगर आप लोगों को इसका वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा देंगे पिस्टन रिंग कैसे फिटिंग करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पिस्टन लॉक को पहले फिटिंग कर लेता हूँ। मेरे दोस्तों एक पिस्टन लॉक फिटिंग कर लिया हमने, अभी पिस्टन को लगाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो हमने पिस्टन को लगा दिया। अभी पिस्टन का जो दूसरा लॉक है वो दूसरा लॉक को फिटिंग कर लेंगे अभी। और इस लॉक को फिटिंग करने से पहले इंजन के सामने थोड़ा कपड़ा दे देंगे, नहीं तो लॉक अंदर चला जाएगा, फिर इंजन खोलना पड़ेगा। तो दोनों लॉक को हमने फिटिंग कर लिया, तो अभी सिलेंडर को लगाएंगे। और सिलेंडर को लगाने से पहले सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा इंजन ऑयल दे देंगे। और पिस्टन रिंग के ऊपर भी थोड़ा सा इंजन ऑयल दे देंगे ताकि पिस्टन लगाते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, एकदम आसानी से सिलेंडर के अंदर पिस्टन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी सिलेंडर को फिटिंग करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों सिलेंडर के अंदर पिस्टन को डाल दिया। तो अभी टाइमिंग चेन को सिलेंडर के अंदर से बाहर निकालेंगे। तो अभी सिलेंडर को फिटिंग कर देंगे। तो देख सकते हो दोस्तों पिस्टन और सिलेंडर का प्रोसेस हमारा एकदम कंप्लीट हो गया। तो अभी पिस्टन को थोड़ा अप डाउन करके देखेंगे। तो अभी दोस्तों पिस्टन को एकदम टॉप में लाके छोड़ देंगे और पिस्टन के ऊपर थोड़ा कपड़े से साफ कर देंगे। और अभी टाइमिंग चेन पैड को लगा देंगे। ये देख सकते हो दोस्तों ये ऐसा बैठेगा इसके अंदर। और अभी हेड के अंदर जो मेटल का पैकिंग रहता है उसको फिटिंग कर देंगे। और अभी हेड को फिटिंग करेंगे और इस हेड के अंदर से टाइमिंग चेन को बाहर निकालेंगे। अभी हेड और सिलेंडर के अंदर जो 10 mm का जो नट बोल्ट है उसको फिटिंग कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों जुपिटर और विगो का ये जो मेन पार्ट है कि इसका कैमशाफ्ट कैसे फिटिंग करें और टाइमिंग कैसे सेटिंग करें, तो इसको आप लोगों को एकदम बारीकी से समझाएंगे। तो पहले मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो इधर देख सकते हो दोस्तों इधर जो टाइमिंग चेन का जो गियर है ये ऐसा नहीं बैठेगा, इसको थोड़ा घुमाएंगे, देख सकते हो ये ऐसा बैठेगा, ऐसा फिटिंग होगा। और इसको फिटिंग करने का जो पूरा प्रोसेस है मैं पहले फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मेरे दोस्तों अभी हमने टाइमिंग को फिटिंग कर लिया, तो अभी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसे किया इसको। इधर देख सकते हो दोस्तों इधर कैमशाफ्ट के अंदर जो छोटा सा छेद दिख रहा है इसके साथ इसको मैच करना है, एकदम इसके सीधा सीधा एकदम इसके बराबर इसको मैच करना है। और इस साइड का जो छेद है ये एकदम ऊपर का साइड रहता है, ऐसे ऊपर का साइड, ठीक है। और इधर आप लोग टाइमिंग देख सकते हो इसका, टाइमिंग चेन का जो गियर है और इसका जो दाग दिया गया है दो दाग, तो इसको इंजन का जो चेंबर है चेंबर के साथ एकदम मैच करना है सीधा सीधा। और टाइमिंग सेटिंग करने से पहले मैग्नेट और पिस्टन को टॉप में रखना चाहिए, जैसे कि मैंने इधर मैग्नेट को इधर टॉप में रख के किया टाइमिंग पूरा, आप लोग देख सकते हो, आप लोग को दिखाने का थोड़ा कोशिश करेंगे मैं। तो इधर देख सकते हो दोस्तों पिस्टन एकदम टॉप में है और इधर मैग्नेट भी एकदम टॉप में है, देख सकते हो इधर टी लिखा है। और इसके साथ इधर जो चेंबर का जो पॉइंट है इसके साथ मैच करना है इसको, तब ये टॉप होगा। और अभी दोस्तों टाइमिंग चेन का जो गियर है उसके साथ जो नट और लॉक लगा हुआ रहता है उसको फिटिंग कर देंगे। और अभी दोस्तों हेड का जो कवर है उसको भी फिटिंग कर लेंगे, ऊपर थोड़ा रेसी बॉन्ड का यूज़ करेंगे ताकि इंजन ऑयल लीकेज ना करे। और अभी कवर को फिटिंग करके ऊपर जो इतना नट बोल्ट था सब नट बोल्ट को लगा देंगे।
तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो हमने इंजन का काम एकदम कंप्लीट कर दिया। तो इंजन हमारा फुल फिटिंग है और अभी बस रॉकर और टैपिट को थोड़ा सेटिंग करेंगे और उसके बाद इंजन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद गाड़ी में फिटिंग करेंगे इंजन को, और इंजन का गाड़ी में फिटिंग करने का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।